तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं बूम की बनाई गई स्किबिडी सीरीज की, जिसमें हम एपिसोड 70 को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है इन दो कैमरामैन से, जिनमें से एक कैमरामैन टॉयलेट पेपर जैसे दिखने वाले ग्रेनेड को शटर के नीचे से उस तरफ फेंकता है स्किबिडी टॉयलेट्स को उड़ाने के लिए। एक जोरदार धमाके के बाद कैमरा घूमता है थर्ड कैमरामैन की तरफ, जो कि अपने फ्लेम थ्रोवर से आग बरसा रहा होता है। लेकिन पीछे तो लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, लेकिन भाई साहब कहते हैं मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। खैर, कैमरा एक और बार घूमता है और यहां हमें दो कैमरामैन दिखाई देते हैं। एक के तो सारे कपड़े फट चुके हैं, लेकिन फाइट बैक तो करना है, और दूसरे भाई साहब का एक हाथ भी टूट चुका है। इतने में पीछे वाले कैमरामैन पे एक रॉकेट लगता है और उसकी बॉडी दूर जा गिरती है। इसके 2 या 3 सेकंड बाद ही दूसरे कैमरामैन पर भी पीछे से आते हुए टॉयलेट्स रॉकेट मार देते हैं, जिसे देखते ही हमारे जॉइंट कैमरामैन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लेजर गन निकाल के सब टॉयलेट्स को फ्राई करना शुरू कर देता है। यही नहीं, इसके बाद निकल पड़ता है एक छोटी सी सैर को, जिसमें 3-4 टॉयलेट्स को तो ऐसे ही उड़ा देता है, जिसके बाद इसे नजर आते हैं बहुत सारे आर्मर्ड टॉयलेट जो कि एक टनल से बाहर आ रहे होते हैं। थोड़ी सी हाथापाई करने के बाद ये सीधा उन टॉयलेट्स पे हमला करने निकल पड़ता है और अपनी लेजर गन की फुल पावर लगा देता है, लेकिन आर्मर्ड नहीं टूटता। एक टॉयलेट अपनी सड़ी हुई शक्ल लेके बाहर निकलता है हमला करने के लिए, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से टाइटन कैमरामैन उड़ता हुआ आता है और सीधा डैम के अंदर घुस जाता है। अंदर का पूरा डैम तोड़ने के बाद ये वापस आता है और हम देखते हैं कि इसका राइट हाथ अभी तक भी रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कैमरामैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस ट्रिपल बीम अटैक करता है। ये अपनी कैनन्स को बीम और बुलेट दोनों तरह से यूज कर सकता है। फिर एक और टॉयलेट आता है, लेकिन ये वाला टाइटन टीवी मैन की तलवार का शिकार था। टीवी मैन को देखो ऐसे खड़ा है जैसे सबसे ताकतवर यही होगा, और ये है भी सबसे ताकतवर, नो डाउट। एनीवेज, फिर आता है टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन टीवी मैन इसे कहता है आ गया तू जवान हो, और फिर इसे एनर्जी देने लगता है। टाइटन स्पीकर मैन इतना ज्यादा ओवरचार्ज हो जाता है कि इसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है, और जैसे ही टॉयलेट्स को दूर से आते हुए देखता है वैसे ही फुल बंदूकबाजी चालू, और देखते ही देखते टॉयलेट्स की आधी टीम को ऐसे ही ढेर कर देता है। और लगे हाथों इस लड़ाई के दौरान टाइटन कैमरामैन अपने लिए कबाड़ से एक हाथ भी ढूंढ लेता है। ये हाथ हमको देखा और फिर हम देखते हैं कि टॉयलेट्स ने टाइटन स्पीकर मैन को चारों तरफ से घेर लिया है। ये है हेलीकॉप्टर टाइम। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। सारे टॉयलेट्स को खत्म करने के बाद ये फुल स्वैग में बैठ जाता है। शाबाश बेटा, जिसके बाद हमें दिखाई देता है डीजे टॉयलेट, जो कि 60 एपिसोड पहले दिखाई दिया था। फाइनली ये अब वापस आ चुका है, लेकिन 4 से 5 सेकंड के लिए, क्योंकि एस्ट्रो टॉयलेट पीछे से आकर इसके टुकड़े कर देता है। टाइटन कैमरामैन इसके ऊपर फायर करता है, लेकिन ये बुलेट को हवा में ही पकड़कर उसे वापस थ्रो कर देता है, और टाइटन टीवी मैन की बीम को भी ये आसानी से चकमा दे सकता है। टाइटन टीवी मैन को गुस्सा आ जाता है और ये टॉयलेट से कहता है इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो, जिसके रिप्लाई में एस्ट्रो टॉयलेट कहता है हर तबुस क्रैक कोई किनिम बोमला, यानी ये टॉयलेट तो मुंह पे ही धमकी दे रहा है। टाइटन टीवी मैन अपनी तलवार को टेलीपोर्ट करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर से चकमा देकर उस तलवार को ही तोड़ देता है और तलवार को वापस फेंक कर चला जाता है। जब कैमरा घूमता है तब हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन बाल बाल बच गया, अगर ये तलवार इसके सर पे लगती तो। तभी कैमरा इधर घूमता है और हमें नजर आती हैं टीवी वुमेन, स्पीकर वुमेन और कैमरा वुमेन, और इधर साफ दिखाई दे रहा है कि स्पीकर वुमेन और कैमरा वुमेन को अच्छे खासे अपग्रेड्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे टीवी वुमेन के साथ ना इंसाफी हो रही है। एनीवेज, इसके बाद जॉइंट कैमरामैन टनल के अंदर घुस जाता है, जिसको प्रोटेक्ट कर रही होती है सर्वाइविंग स्क्वाड, जो कि एक एलिवेटर से ऊपर जा रही होती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। कैमरामैन लोग अपनी अपनी लाइट्स ऑन करते हैं, तभी नजर आती है एक कैमरामैन की आत्मा। बाप रे, नहीं 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 नहीं, ये कोई आत्मा नहीं थी, आगे चल के बताता हूँ। लिफ्ट आ जाती है ऊपर, डोर नॉक होता है और फट जाता है। एक कैमरामैन नजर आता है, लेकिन ये कैमरामैन नहीं होता बल्कि एक टॉय होता है। इतनी देर में एक और टॉयलेट आता है और वो लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। फिर होती है फाइट, इसके बाद एक कैमरामैन टॉयलेट को लेके नीचे गिर जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर होता है धमाका और लिफ्ट नीचे गिरने लग जाती है। सभी टाइटन एक एक करके बाहर आ जाते हैं और लास्ट में बचता है मिनी टाइटन, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा होता है।
है। डार्क स्पीकर मैन अपने दोस्त की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन कैमरा मैन इनकार कर देता है। खैर इसके बाद ये सब एक अंधेरे कॉरिडोर में टॉयलेट से बचते हुए नाइट विजन ऑन करके जाते हैं, पर गलत टाइम पर लाइट आ जाती है और हीरोज को भागना पड़ता है। भागते भागते ये सब एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक टॉयलेट छुप के बैठा होता है, बट इनमें से किसी को भी पता नहीं चलता। फिर बाकी रूम को देखते हैं जहां पर टॉयलेट के हाई टेक गैजेट्स रखे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पोस्टर क्योंकि इसमें सीक्रेट एजेंट एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करते हुए दिखाया गया है और पीछे जो साइंटिस्ट हैं ये सब बाद में टॉयलेट्स बन गए थे। यानी सीक्रेट एजेंट का कनेक्शन अलायंस और टॉयलेट दोनों के साथ है, जिसका मतलब ये उनमें से एक टीम की तरफदारी नहीं करता बल्कि ये अपने फायदे के लिए काम करता है। जिसके बाद एक कैमरामैन कुछ किताबों को पॉइंट आउट करता है जिन्हें देख के लगता है कि ये शायद टीवी रेस से रिलेटेड हैं। तभी पीछे से एक टॉयलेट अटैक करना शुरू कर देता है और अपनी स्क्रीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट को मिरर करने का मतलब है एंड यूर सेल्फ, और मिनी कैमरामैन ऐसा करने ही वाला होता है। लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर उसे बचा लेता है। जब तक ये लेंस पहनकर खड़ा होता है तब तक एक कैमरामैन मर चुका होता है और ये टॉयलेट डार्क स्पीकर मैन से लड़ रहा होता है। मिनी टाइटन आके उसकी मदद करता है और ये दोनों मिलके इस टॉयलेट को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद मिनी टाइटन दरवाजों का रिमोट कंट्रोलर उठा लेता है। डार्क स्पीकर मैन एक नेजा लेता है, जिसके बाद मिनी टाइटन भी एक हेडफोन और एक जेट पैक लेके बाहर निकल पड़ता है। एक कमरे की तरफ भागते हुए कैमरा विजन में ग्लिच होता है, जिसका मतलब सीक्रेट एजेंट आस पास है। फिर उस रूम से एक टॉयलेट बाहर आता है लेकिन वो हमारे हीरोज को नहीं देख पाता क्योंकि ये दोनों ही इनविजिबल हो चुके थे। फिर पीछे मुड़ने पे एक और कैमरामैन दिखाई देता है जो कि जल्दी से छुप जाता है। इसके पास ऐसा गैजेट है जो किसी को भी इनविजिबल कर सकता है और जो लिफ्ट में हमें एक आत्मा नजर आई थी वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि असली कैमरामैन था जिसे इनविजिबल किया गया था। फिर ये दोनों आगे रूम में जाते हैं और वहाँ होता है बूढ़ा टॉयलेट जो कि सीक्रेट एजेंट के साथ वीडियो कॉल पे होता है। फिर बाहर से एक टॉयलेट मिनी टाइटन पे हमला करता है लेकिन ये उसे चकमा देकर दरवाजा बंद कर देता है। सर्किट को हैक करने वाले रिमोट को देखकर इस टॉयलेट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। जिसके बाद लेजर फायर करने की कोशिश करता है लेकिन ये भी हैक हो जाता है। बाहर जाने की कोशिश पर दरवाजा भी हैक, टेलीपोर्ट होने की कोशिश पर मशीन भी हैक, जिसके बाद इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और ये टॉयलेट डार्क स्पीकर मैन को दो पार्ट में तोड़ के फेंक देता है। मिनी टाइटन को गुस्सा आ जाता है और ये फिर से हमला करता है। अभी भी डार्क स्पीकर मैन ने हार नहीं मानी थी, वो अपनी आधी बॉडी के साथ टॉयलेट के ऊपर हमला करके मिनी टाइटन की पूरी मदद करता है, बट आखिरकार ये दोनों मारे जाते हैं और ये टॉयलेट स्पीकर मैन को लेजर मार के खुद को ठीक करके भागने ही वाला होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है जॉइंट टीवी मैन की और सारे टेलीपोर्टेशन क्लाउड को खत्म करके टॉयलेट को उसकी औकात दिखा देता है। तब इस टॉयलेट के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो अपना रोबोट ले आता है। जॉइंट टीवी मैन पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन ये रोबोट बहुत पावरफुल अटैक करके दरवाजे को तोड़ देता है। तभी एंट्री होती है वुमेन टीम की और वो इस रोबोट को पीछे से तोड़ना शुरू कर देती है। जॉइंट कैमरा मैन इसका ध्यान बटाता है और पीछे हमें ये होल दिखाई देता है। अरे बाबा, इसका मतलब वुमेन टीम अंदर घुस चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये जॉइंट कैमरामैन को डैमेज कर देता है लेकिन फिर कुछ ही देर में इस रोबोट की हालत खराब होने लग जाती है। इतनी देर में ये बूढ़ा टॉयलेट अपने रोबोट से बाहर निकल आता है और इसको लगता है कि वो बच गया है। बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन हमारे टाइटन ऑलरेडी बाहर इसका इंतजार कर रहे होते हैं और बाहर निकलते ही साले ने मेरा सूट बेचा है, मेरा घड़ी बेचा, गोल्डन चश्मा बेचा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखना, आप मर साले को, साफ तक कचरा पेटी को मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। सब टाइटन एक एक करके अपना गुस्सा निकालते हैं, जिसके बाद जॉइंट टीवी मैन एक कैमरामैन के साथ टेलीपोर्ट होता है। एट द एंड मिनी टाइटन अपने बेस्ट फ्रेंड को आखिरी बार मिलता है और डार्क स्पीकर मैन हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद जॉइंट टीवी मैन एक कैमरामैन के साथ टेलीपोर्ट होता है। एट द एंड मिनी टाइटन अपने बेस्ट फ्रेंड को आखिरी बार मिलता है और डार्क स्पीकर मैन हमेशा के लिए चला जाता है। हर कोई उदास है लेकिन फिर पीछे हमें नजर आता है एक कैमरामैन और ये वही कैमरामैन था जिसके पास रिमोट कंट्रोलर था। ये उस रूम में मरा नहीं था, बस मरने की एक्टिंग कर रहा था और इसी ने टाइटन टीवी मैन को इनविजिबल भी किया था। इसके बाद हमें दो इनविजिबल कैमरामैन दिखाई देते हैं। ग्रीन लाइट फ्लैश होती है और मिनी टाइटन एक रिकॉर्डिंग को अपने दिमाग में देखने लगता है जिसमें सीक्रेट एजेंट होता है और वो बताता है कि एस्ट्रो टॉयलेट जैसी और भी बहुत सारी आफतें आने वाली हैं, लेकिन बाकी हीरोज को बताने के लिए मिनी कैमरामैन जिंदा नहीं रह सकता।
सकता क्योंकि इसने सीक्रेट एजेंट के बारे कुछ ज्यादा ही जान लिया था। वीडियो खत्म होते ही मिनी टाइटन की हालत खराब होने लग जाती है। कैमरा वुमेन पास आने की कोशिश करती है लेकिन टीवी वुमेन उसे रोक लेती है क्योंकि मिनी टाइटन की बॉडी जल रही है और सेफ नहीं है। आखिरी बार मिनी टाइटन टाइटन कैमरामैन को थम्स अप करता है और हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्किबिडी की नई एपिसोड के साथ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो